काम क्या करते हो? मोबाइल चलाते हैं। थारी तरह फालतू थोड़ी है। मैं पागल नहीं, सिंगल हूँ, और सिंगलों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती। आप इतने सुंदर हो, आप फेस पे क्या लगाते हो? फिल्टर। रात को मेरे दादाजी का फोन आया, बोल रहे थे कि धरती पे जितने पाप करने हैं कर लो, नरक में बिल्कुल भी जगह नहीं है। मैंने कहा दादाजी आप कहाँ हो कि हम खुद दीवार पे बैठे हैं। भैया मैं तो जा रहा हूँ लड़की पटाने। अरे हमारे बारे में लोगों से क्या पूछती हो डार्लिंग, हम तो खुद के घर वालों को ही पसंद नहीं है। राम राम। आप अभी तक सिंगल हो? हाँ मैम, प्योर सिंगल है। अरे आप दिखने में इतने हैंडसम है, इतना क्यूट है, फिर भी आप लड़की नहीं पटा सके। ज्यादा हैंडसम है तो आप ही पट जाइए। पहले जल ही जीवन था, अब फोन ही जीवन है। जमाना बदल रहा है, नहीं बदल चुका है। अगर जिंदगी में कभी नींद ना आए मेरा भाई, तो एक पैग मारने का और सो जाने का मेरा भाई। अरे बड़े बड़े आशिकों की डूब जाती है नैया जब लड़कियां बोलती है थैंक यू भैया। तो दोस्तों फाइनली मैं जुड़ चुका हूँ। कौन कौन भर भर के मेकअप करता है? मेरे उम्र के लोगों की शादी हो रही है और उनको बच्चे हो रहे हैं, और मेरे अंदर से अभी भी बचपना नहीं जा रहा। जब से ठंडी आई है हमने तो नहाना छोड़ दिया, रोज मुंह धो के काम चलाते हैं। जिंदगी में दो बातें हमेशा याद रखना, मुश्किलों से कभी घबराना नहीं और ठंड में कभी नहाना नहीं। अरे है किसी में हिम्मत जो मुझे फॉलो करे? अरे जितनी भी खूबसूरत लड़कियां है ना, इनसे एक बात कहना चाहूंगा। आई लव यू। यू वेरी चालाक ब्रो। बहुत चालाक चालाक ब्रो चालाक। भाई और बहन का ओ सॉरी 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 भाई और बहनों अच्छे कपड़े पहनो। धन्यवाद। आज मैं घर वालों से नाराज हूँ। अच्छा? और मैं तब तक रोटी नहीं खाऊंगा जब तक मुझे भूख नहीं लगेगी। फुल एटीट्यूड। भाई जो भी अपनी वीडियो देख रहे हो ना, बढ़िया है यार यो। अब तो बढ़ाई कर दी, फॉलो कर लो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और मैं भी। भाई तू हगने के लिए बीड़ी क्यों पीता है? जलवा है हमारा। काम क्या करते हो? लोंडिया बाजी। भाई कल एक लड़की का मैसेज आया और बोली आप बहुत क्यूट हो, और फिर मैंने ब्लॉक कर दिया। क्यों? मेरे साथ मजाक। बहुत सही सब। कोई बुलाती है तो चले जाने का, वरना कोई और चला जाएगा। कंपटीशन बहुत है, पॉकेट में रिस्क कहीं को लेने का। आयो
जब प्यार ही नहीं था तो क्यों मेरे सामने ऐसे मटक मटक के साइकिल चलाती थी। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद सच का पता चला कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बाहुबली ने कटप्पा से गंजो कह दी, नु करो टकला मेरी तलवार दे। फिर भाई कटप्पा ने घुमा गिराया वो ढंग से। भैया कुछ लोग बाहर से शरीफ और अंदर से हरामी हुए, ऐसा कहा देख रहे हो? तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मैं शरीफ हूँ। ना साथ किसी का ना सहारा है कोई, मुझे तो दारू दे दो फिर ऐसी तैसी कराए कोई। दाल रोटी थाली में, और जो मुझे फॉलो ना करे वो गिर जाए नाली में। अब करो फॉलो। अरे है किसी में हिम्मत जो मुझे फॉलो करे? तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम गोइंग टू मेकिंग अ न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब, सो प्लीज सब्सक्राइब। काम क्या करते हो? नल्ले। आज जिंदगी में पहली बार स्नैपचैट डाउनलोड किया, तब जाके पता चला कि मैं भी गोरा दिखता हूँ यार। फैन तो हमारे बहुत है मेरे भाई, पर सर्दी की वजह से घर वाले चला न देवे। आज मुझे देखकर वो बहुत हंस रही थी, उसके जाने के बाद पता चला मेरी चेन खुली थी। मोबाइल में कोई दरवाजा नहीं है फिर भी घर वाले कहते हैं घुस गया ये मोबाइल में। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, गंदी शकल, छोटी किस्मत, कमीने दोस्त, ताना देने वाले रिश्तेदार, कोई कमी ना है। मुस्कान खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन आप उसे पटा जरूर सकते हैं। अगर खूबसूरत होना गुनाह है तो भैया हम लोग तो बेगुनाह है। सच में गर्मी में 44 डिग्री सहन नहीं कर पा रहे और इन सालों को बीवी हॉट चाहिए। डर जाओ, आराम करो। रजाई के अंदर छुप के फोन चलाने वालों बधाई हो, सर्दी आ रही है। अगर मैं आपको मेरी तारीफ करने का मौका दूं तो मेरी तारीफ में क्या कहना चाहोगे? करो करो, मैं भी देखता हूँ क्या करोगे। अरे फॉलो ही तो करोगे, करके दिखाओ 1 मिलियन दा मैं तो। भाई हो कर भी सको। हर इंसान की जिंदगी में 3 वक्त जरूर आते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। तुम सारे लड़के ना एक जैसे होते हैं। हाँ तो हम मेकअप नहीं करते ना इसलिए। भावा ठंडी आ गई है, यह ठंडी में सबसे ज्यादा बुरा तब लगत है जब कंबल में रजाई में रात में सोए और सोते 5 मिनट के बाद पिसाब लग गए। ओ भैया अनंग का ही देख रहा, पतली कमर इलावा वाली कोई है ही नहीं। तुम तो ऐसे ही लाइक कर दो यार, है नी? ठीक है आओ। लोग कहते हैं इस कलयुग में अच्छे इंसान नहीं मिलते, आपकी गलत फहमी दूर करो दोस्तों, मुझसे आकर मिलो। के सीधा है रास्ता, के सीधा है रास्ता, और ठंड में हम नहा लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। के दारू गंदी चीज है क्यों इसे टेस्ट करें? के दारू गंदी चीज है क्यों इसे टेस्ट करें, और ठंड में नहा के क्यों पानी वेस्ट करें? आए, आए।
अगर साला सिरदर्द है तो साली झंडू बाम है। हाँ, कोई से मत कीजिए यह बात, हमारे और हमारे बीच में रहना चाहिए। सुनो, तुम बीड़ी पीते हो? बोलो बोलो, इस खामोशी की वजह क्या समझूं? खामोशी की वजह मुंह में गुटखा है। अच्छा बता, तुझे लाइफ में क्या चाहिए? गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड गई बाढ़ में, अब बता क्या चाहिए? मैं भी बाढ़ में जाऊंगा। किसी से धोखा खाने से बेहतर है चलो मेरे साथ मोमोज और गोलगप्पे खाते हैं। साला दारू पिए हुए बहुत दिन हो गए यार, लगता है किसी दोस्त का ब्रेकअप करवाना पड़ेगा। फिर से अर्ज किया है, पूरी दुनिया तुम्हारी कितनी भी तारीफ कर ले पर बीबी हमेशा बुराई ही करेगी। अब रिश्तेदार आवे हैं, खावे हैं, पीवे हैं और चले जावे हैं, पैसा देने वाला रिवाज खत्म ही होगा। अगर जब भी मारो जोर से माथो दुखे तो घर वाला ने भी बताने से डर लगे, क्योंकि वे एक ही बात बोले और गुज्जा मोबाइल में। अरे यार मोबाइल चलाना कम करना पड़ेगी, अब आंखें भी यानी भीतर घुसती जा रही धीरे धीरे। टॉयलेट में फोन लेके जाने वाला व्यक्ति जब तक नहीं उठे जब तक वहां का पैर सुन्न नहीं हो जा। तो प्लीज तुम तो वह भीतर बैठ के मजे से मोबाइल चलाता रहो, तुम्हारा भार निकलने का इंतजार में भार कोई तड़प तो रहे। तो हंसो मत करिया करो, बाहर आके मोबाइल चलाया करो यार। ए? है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ? खुद नहीं, तुम खुद दे, मैं ये नहीं कहता तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो। अगर खूबसूरत होना गुनाह है तो भैया हम लोग तो बेगुनाह है। सच में नहीं ना आएगा? नहीं। अरे आखिर क्यों नहीं आएगा? मम्मी पानी गर्म करके दे रही है, नया साबुन ला कर दे रही है, मग्गा बाल्टी, फिर क्यों नहीं आएगा? अरे बोलना, मुंह में केला फंस गया है क्या? नहीं नहाऊंगा, ठंड लगती मुझे। अरे नहा ले भाई वरना बॉडी से स्मेल आने लगेगी। नहीं मैं नहीं नहाऊंगा, पानी से बहुत फटती है। अरे अर्जुन भैया, तुम्हारी मम्मी ने पानी गर्म कर दिया, ठंडा हो जाएगा, जल्दी चलो। अरे जल्दी चलो वरना मम्मी मारेगी। अरे तू भी चल वरना मम्मी से बहुत पिटेगा आज। हां जा पिटने दे, तब भी नहीं नहाऊंगा। हट मट मैला कहीं का। के उसकी याद में हमने पानी तक नहीं पिया इसलिए दारू पी ली। मैं 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, मुझे गर्लफ्रेंड मिलनी चाहिए कि नहीं? जिनको दिल साफ हो गए ना मेरे भाई, उन्हें नहाने की जरूरत न पड़ती। ये जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, इसलिए जाओ अपनी अपनी क्रश को प्रपोज कर लो, और हाँ पिट जाओ तो मेरा नाम मत लेना। हाँ। है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ? खुद नहीं, तुम खुद दे, मैं ये नहीं कहता तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा हूं या नहीं हूं। ये देखो भैया, गूगल सबसे बढ़िया है, वहां बेचारे तक कुछ भी पूछ लो, वहां ने आज तक कभी नू नो कही तो इतनो भी न पता। लड़का होना भी आसान नहीं है साहब, रोज सुबह उठकर 15-20 लड़कियों को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना पड़ता है। और बताओ, नहा रहे हो आजकल या फिर हाथ मुंह धो के काम चला रहे हो? बहुत देख ली पतली कमर, अब किताबों को भी देख लो, एग्जाम आ रहे हैं, फेल हो गए तो घर वाले पतली से चौड़ी कमर कर देंगे तुम्हारी मार मार के। तो सुनना ध्यान से, के अगर भूत देख लिया तो डर थोड़ी जाएंगे, के
भूत देख लिया तो डर थोड़ी जाएंगे, और हम नहाएंगे नहीं तो मर थोड़ी जाएंगे।